अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारी वर्कशॉप है यहाँ पे जे रोड पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हम लोगों ने तैयार की हैं और किस कंडीशन में गाड़ियाँ थीं। तो चलें, लेट्स सी, आपको वीडियो दिखाता हूँ और गाड़ियाँ दिखाता हूँ आपको, क्या क्या काम होने वाला और क्या क्या हम लोगों ने किया है इसमें। लेट्स सी। अच्छा, तो ये जी होंडा रिबॉन है, ये आई थी फुल पेंट के लिए। फिलहाल थोड़े से पीसेस का टच करने थे, तो जो गाड़ी के ओनर हैं उनकी फरमाइश पे एक पूरी गाड़ी ही जो है ये देखें, ये टोटल पेंट कर दी है वाइट कलर में। और ये रात की लाइट की वजह से थोड़ा सा पर लग रहा है, मगर ये ओरिजिनल जो पाकिस्तानी कलर आया ना वाइट रिबॉन में, ये वो वाला कलर है। ये सारी डिग्गी छोड़ के, छत छोड़ के और पिल्लों को छोड़ के बाकी सारी गाड़ी जो है ना ये टोटल हमने पेंट की है। अगर आप लोगों ने भी काम करवाना हो इस तरह से गाड़ी का, तो जे रोड पे वर्कशॉप है हमारी, तो इंशाल्लाह ताला कभी कोई काम हो तो बताइएगा। अब ये इसकी राइट साइड है, ये भी देखें टोटल पेंट की गई है। इसके अलावा देखें कल्टस भी है, ये भी तकरीबन पूरी पेंट होगी। ये फेंडर इसके और बोनट, दोनों फेंडर इसके ये चेंज किए हैं, और बाकी दरवाजे वगैरह इसके अपने ओरिजिनल हैं। छत भी जो है ये टोटल पेंट होगी, पिलर भी ये पेंट होंगे इसके। बाकी ओवरऑल जो है ना गाड़ी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। फिर जब तैयार होगी तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका जो पेंट वर्क है वो भी मैं दिखाऊंगा, और अंदर से भी ये देखें गाड़ी टोटल तैयार है, यानी कि होगी गाड़ी इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा एक गाड़ी तैयार की है ये। अच्छा, तो ये, हाँ लाइट जला दो। अच्छा, ये 76 मॉडल क्रोला है ये, और ये ब्लैक कलर में गाड़ी पेंट की गई है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन और ब्लू कलर के पर्ल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ओनर की फरमाइश पे इसके अंदर पर्ल जो थे ना ग्रीन ज़्यादा ब्लू कम किए गए हैं, और बाकी ओवरऑल ये लुक है गाड़ी की, पूरे जर्मन सामान के अंदर है गाड़ी। और नीचे ये लिप भी है इसका। टोटल गाड़ी जो ना हम लोगों ने ये तैयार की है, ये आप देख सकते हैं। बैक पे भी इसका स्पॉइलर है, ठीक है। और पिछली लाइटें वगैरह इसकी कंप्लीट हैं, पिछला इंटीरियर भी इसका, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं। और ये इसके पीछे स्पोर्ट्स एडजास्ट भी लगा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह डे की रोशनी में मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी सही तरह, इसके कलर शेड जो है जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लास्ट में प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।